गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं देव प्रकाश इन्वेस्टमेंट क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 होगा आपका। जो भी मैं आपको द्विघात समीकरण बताने वाला हूँ उसको बहुत ही आप ध्यान से पढ़िएगा। पहले जो भी बेसिक होगा बेसिक को क्लियर करेंगे और जीरो से आपको एकदम हाई लेवल तक लेकर चलेंगे। आपको अगर कोई भी परेशानी हो पहले सारा वीडियो देखिएगा, पूरे वीडियो देखने के बाद किसी भी तरह का डाउट आपके अंदर नहीं रह जाए, ठीक ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण होता क्या है इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आपने अध्याय 2 में पहले इसके पढ़ चुका है कि बहुपद क्या होता है। आप लोग बहुपद के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि बहुपद कई तरह, जैसे एक बहुपद होता है मान लीजिए एक्स प्लस बी है, ठीक। एक बहुपद होता था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी एक बहुपद था, ठीक ना। इसी तरह से और कोई बहुपद बन सकता था 3x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 4, ये सब क्या आपका बहुपद है। तो बहुपद चैप्टर में हमने यह पढ़ा था कि यह जो पहला जो एग्जांपल ली है यह किस तरह का बहुपद है, घात इसका कितना 1 है ना, ये आपका एक घातीय बहुपद इसको आप बोले थे, या फिर इसी को हम लोग बोलते थे यह क्या है आपका रैखिक बहुपद है, ठीक है, रैखिक बहुपद है। दूसरी बात कि यहाँ पर देखिएगा तो इसका जो घात है कितना है, घात यहाँ पर 2 है। तो जब घात 2 है तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, क्या द्विघात आपका बहुपद है, द्विघात बहुपद है। और यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर जो पूरा जो बहुपद दिया गया है इसका जो मैक्सिमम जो घात है आपका कितना है, 3 है। तो इसको हम लोग बोलते थे यह त्रिघातीय बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद है। देखिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हैं थोड़ा सा भी इसके बारे में, तो जो आपका इक्वेशन आता है और जो आपका बहुपद है दोनों में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता। अगर आप सोचिएगा पहले हम पढ़ चुके हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, और एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होता था एक्स प्लस बी बराबर जीरो होता था। यानी कि जो आपका एक पद वाला जो बहुपद होता है, एक घात का जो बहुपद होता है, रैखिक बहुपद होता है, उसको अगर हम लोग जीरो के बराबर लिख देते हैं तो वह जो कंडीशन होता है अब यह क्या कहलाता है, यह आपका समीकरण कहलाएगा। अगर जीरो को आप हटा देते हैं एक बहुपद है, अगर आप जीरो को सिर्फ बराबर इक्वल टू जीरो कर देते हैं तो अभी आपका समीकरण कहलाएगा, लेकिन यह कैसा समीकरण है, तो रैखिक समीकरण कहलाएगा, ठीक। तो उसी तरह से अगर हमको द्विघात समीकरण निकालना है तो हमको करना कुछ नहीं है, जो भी आपके पास दिया गया है द्विघात बहुपद उसी को क्या कर देना है आपको, इक्वल टू जीरो कर देना है। तो अब जो आपको मिलेगा यहाँ पर प्राप्त होगा यह क्या होगा, एक आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा, ठीक ना। हाँ, एक कंडीशन ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो a का जो वैल्यू होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, यहाँ भी जो a का वैल्यू होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, कोई डाउट इसमें। अगर आप इसको कर देते हैं 3x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू जीरो, तो आपको ये क्या हो जाएगा, ये भी एक समीकरण हो जाएगा लेकिन उसका घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अर्थात वो एक त्रिघातीय समीकरण वो होगा, ठीक। अब देखिए यह जो हम बात करते हैं कि a नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इसके पीछे देख लीजिए क्या लॉजिक है। सपोज डेट मान लीजिए कि a को हम जीरो कर देते हैं, a कोई रियल नंबर होता है, यहाँ पर a b c ये तीनों क्या होते हैं, a b c तीनों क्या होते हैं, तीनों रियल नंबर होते हैं। और मान लीजिए कि हम क्या करते हैं इसी में से केवल a को हम क्या करते हैं जीरो के बराबर ले लेते हैं और एक इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 0x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, या फिर ये जीरो गुणा होगा जीरो हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास केवल बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब देखिए जैसे ही हम ए का वैल्यू जीरो यहाँ पर लेते हैं तो जो आपका द्विघात समीकरण था वो अब बदल जाता है किस चीज़ में, वो आपका बन गया कैसा, इस तरह का हो गया कि नहीं, वो आपका कैसा बन गया, यह एक रैखिक समीकरण का रूप ले लिया, ठीक ना। तो यही रीजन है कि कभी भी हम जो a होता है इसको हम लोग जीरो नहीं लेते हैं, और जीरो लेंगे तो फिर आपका जो द्विघात समीकरण होगा वो आपका रैखिक समीकरण में टर्न हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें।
तो पहला चीज आपको याद रखिएगा कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद को अगर हम जीरो के बराबर कर देते हैं या लिख देते हैं, वही जो स्थिति होती है वो आपका एक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी इसकी परिभाषा है उसकी परिभाषा को लिखने का प्रयास करेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। चलिए आगे लिखेंगे यहाँ पर कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो एक एक द्विघात बहुपद है, एक द्विघात बहुपद है, कोई दिक्कत। अब देखिए इसी में क्या है, यदि एफ एक्स बराबर हम क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, यानी कि एफ एक्स ही देख आपका एफ एक्स एक बहुपद है, ठीक ना, एक्स फंक्शन में एक बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक बहुपद है, जो कि एक द्विघात बहुपद है, क्लियर है। यदि इस एफ एक्स को हम क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक ना, जहाँ पर जहाँ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर ना, साथ ही में ए आपका नॉट इक्वल टू जीरो, तो यह जो कहलाएगा आपका, यह क्या आपका मिल गया, यह आपका एक द्विघात समीकरण ये मिल गया, ये द्विघात समीकरण आपका यहाँ पर मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए यह जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, यह आपका एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, जिसको हम मानक रूप बोलते हैं या जनरल फॉर्म बोलते हैं, तो आपका जनरल फॉर्म हो या आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप इसको बोल सकते हैं, या फिर व्यापक रूप इसको आप बोल सकते हैं, ठीक ना, या फिर अंग्रेजी में इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई दिक्कत, ठीक ना। पहला चीज आप दिमाग में डाल लीजिए कि जो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ये क्या होता है, क्योंकि यहाँ से आपका हर साल बोर्ड एग्जाम में एक या दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। केवल आपको देगा क्वेश्चन, डिफरेंट तरीके से देगा आपको, सबसे पहले आपको उसको अरेंज करना होता है द्विघात समीकरण के रूप में, सॉरी मानक रूप के रूप में उसको, फिर जाकर आप उसका सॉल्यूशन कर पाते हैं सही सही, ठीक ना। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, तो वहाँ भी आपका जो ऑप्शन दिया जाएगा वह इधर उधर करके दिया जाएगा वैल्यू को, और फिर आपको उसमें पकड़ना है कौन व्यापक रूप में ऑलरेडी है, ठीक ना। ऐसे किसी भी तरह का अगर आपको समीकरण मिलता है तो घबराने की बात नहीं है, आप उसको व्यापक रूप में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन व्यापक रूप जो होता है स्टैंडर्ड होता है, इसमें क्या होता है व्यापक रूप में ध्यान देखिएगा, तो इसमें जो घात होता है, देखिए घात जो होता है उसको हम क्या करते हैं घटते क्रम में लिखते हैं, पावर जो होता है पावर को हम घटते क्रम में लिखते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए पावर क्या टू है, यहाँ पर एक्स का पावर कितना है वन है, और यहाँ पर एक्स का पावर क्या है आपका जीरो है, कोई दिक्कत। तो कभी भी जो मानक रूप होता है, मानक रूप में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मानक रूप में जो ध्यान रखने वाली बात है कि घात जो होता है घात को घटते क्रम में हम लोग सजाते हैं, लिखते हैं, तब जाकर आपको किसी भी समीकरण का या किसी बहुपद का जो मानक रूप आपको प्राप्त होता है, कोई दिक्कत। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं कि जो द्विघात समीकरण होता है उसका जो फैन थोड़ा सा कम कर दीजिए दो बार, हाँ, जो द्विघात समीकरण होता है उसका व्यापक रूप हमने देख लिया। अब हम एग्जाम्पल देखकर उसको समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सा व्यापक रूप में है या कौन सा व्यापक रूप में नहीं है आपका। जैसे सबसे पहले लिखते हैं अगर टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू जीरो, देखिए एक द्विघात समीकरण है कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक ना। हाँ इसमें प्रॉब्लम यही है, यहाँ पर जो सी है वो सी आपका क्या है, गायब है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि जो यहाँ पर सी है वो क्या है आपका, वो जीरो के बराबर है। इसका स्क्वायर प्लस एक्स प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, ठीक ना, एक द्विघात समीकरण है। या फिर ये भी लिख सकते थे हम, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। इसका घात देख लीजिए आपका दो है, ठीक ना, मैक्सिमम पावर, और सबसे पहले बड़ा घात, फिर इसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा होते गया है आपका घात, यानी कि ये भी अपने मानक रूप में है। या फिर लिख सकते हैं फोर एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर जीरो, ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण ही है। फिर नीचे लिख सकते हैं हम लोग कि वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 300 इक्वल टू जीरो, ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण ही है, ठीक ना। और आपको डाउट लग रहा है द्विघात समीकरण है, चेक कर लीजिए, यहाँ पर देख ए का जो वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, ए का वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। यहाँ भी ए क्या है, यहाँ पर देखो तो जीरो के बराबर है नहीं है, ठीक ना। तो आपका बस जो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रखिएगा, एक्सेप्ट जीरो। आप रियल नंबर में कोई भी नंबर उठा लो और उसको तुम रख लो एक जगह पर, वो आपका एक द्विघात समीकरण देगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये तीनों, ये जो एक दो तीन चार, ये चारों जो है, ये चारों द्विघात समीकरण है, ये चारों जो है वह द्विघात समीकरण है। लेकिन इसमें जो आपका ऊपर वाला दो ठो है, यह क्या है, अपने व्यापक रूप में है, यानी कि मानक रूप में है, मानक रूप में है। और नीचे में जो दो लिखे हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, मानक रूप में नहीं है, कोई दिक्कत, मानक रूप में ये आपका नहीं है, ठीक। तो इसको हम लोग मानक रूप में चाहें तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख लिया जाए। पहला है उसको लिखते हैं माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, सबसे जो बड़ा घात है उसको लिख लिए, फिर उसके बाद प्लस फोर एक्स, उसके बाद प्लस टू इक्वल टू जीरो, अब क्या हो जाएगा, वो आपका मानक रूप में आ गया। दूसरा है इसको लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 300 और उसका प्लस वन है इक्वल टू जीरो, या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 301 इक्वल टू जीरो, आपका ये आ गया मानक रूप में, कोई प्रॉब्लम। तो वहाँ पर कभी भी याद रखिएगा, आपको मानक रूप में द्विघात समीकरण दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, आपका काम है कि आपको मानक रूप में लिखने आना चाहिए। मानक रूप में लिखने के लिए हम लोग करते कुछ नहीं है, हम लोग करना बस यही है कि जो भी मैक्सिमम पावर होगा, जो आपको मैक्सिमम घात दिखाई देगा, उसको पहले लिखिएगा, माइनस प्लस जो भी चिन्ह होगा उसका, उसका उससे कम पावर वाले को, जैसे यहाँ पर हमने इसको लिखा, फिर वन वाले को लिखा, फिर यहाँ पर एक्स का पावर जीरो है उसको लिखा, उसके बाद एक्स का पावर जिसका जीरो होगा उसको हम लोग नोट कर लेंगे, फिर आपका ये मानक रूप में आ जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से अगर आप कर लीजिएगा तो आपका बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा जिससे जिसमें बोलेगा कि आप गुणनखंड विधि के द्वारा उसका गुणनखंड कीजिए, या कई सारी ऐसी समस्याएं होती है जहां पर आपको ए बी सी आपको निकालना पड़ता है, और उसी के आधार पर आप लोग फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, जैसे कि द्विघात समीकरण निकालने के, द्विघात का जो हल निकालने का सूत्र होता है, श्रीधराचार्य सूत्र है, वो सब सूत्र का इस्तेमाल करना है आपको, तो मानक रूप में लिखना बहुत जरूरी हो जाएगा। ए बी सी का वैल्यू वहाँ से आपको निकालना पड़ेगा, फिर उस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करना पड़ता है, फिर हम उसका आंसर लाते हैं, ठीक ना। और किसी भी तरह का आपको डाउट लग रहा है अभी भी, तो आप याद कीजिए जो पहले आप पढ़ कर आ चुके हैं, जो दो चरण वाले रैखिक समीकरण थे उनको जो हल करते थे, तो उसको हम लोग पहले व्यापक रूप में ए वन बी वन सी वन निकालते थे, ए टू बी टू सी टू निकालते थे, फिर ए वन बटा में ए टू, बी वन बटा में बी टू, सी वन बटा में सी टू करते थे, ठीक ना। फिर वहाँ पर चेक करते थे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन सी स्थिति बन रही है, नहीं बन रही है, तब हम लोग फार्मूला लगाकर जो कुछ बनाना होता था बनाते थे। वहाँ पर पहला यही कंडीशन था कि आप पहले मानक रूप में उसको लेकर जाओ। तो द्विघात समीकरण में भी आपका जो मानक रूप है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पहले आप इसको मानक रूप में लेकर जाइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, इसको अब क्लियर साफ करते हैं। चलिए चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर में जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का आवश्यकता कहाँ पर है, उसका उसकी कहाँ कहाँ हमें जरूरत पड़ती है अपनी डेली लाइफ में। देखिए मैथमेटिक्स में आपका कोई भी चैप्टर है, या कोई भी आप विषय जो भी टेंथ क्लास में, या कभी भी आप जो कुछ पढ़ने वाले हो, उसका कहीं ना कहीं यूज आपका डेली लाइफ में होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि बहुत लोग उस चीज़ को अप्लाई कर पाते हैं, और बहुत लोग क्या करते हैं, केवल पढ़कर और उसको अपने दैनिक जीवन में कभी भी अप्लाई नहीं करते हैं, तो वो किसी काम का नहीं है। और कोई चीज़ आप सीख रहे हो
सीखने का मतलब होता है कि जहाँ पर उस तरह की समस्या आए वहाँ पर उस चीज़ को तुम अप्लाई करो, ठीक ना। और एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या सोचना है। अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे टीचर जो होते हैं ये बताते हैं आपको सोचना क्या है, ठीक ना। हम कह रहे हैं कि आपको ये नहीं सोचना है क्या सोचना है आपको, आप ये सोचिए कि कैसे सोचा जाता है, आप ये सीख लो। आखिर में कोई अगर मैटर आता है, कोई अगर आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के बारे में सोचना कैसे ही आप सीख लो। और एक बार आप सीख गए कि किसी क्वेश्चन को बनाने के लिए कैसे सोचते हैं, जो स्टार्टिंग प्रोसेस होता है सोचने को क्या होता है, तो आप किसी भी तरह का समस्या अगर आपके सामने आता है तो आप उसका जो बेसिक होगा बेसिक को पकड़ कर आप वहाँ से सोचना शुरू कर दीजिएगा और फिर रिजल्ट तक आप आसानी से पहुँचिएगा, ठीक ना। तो अब देखिए आखिर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका इतिहास जो देखिएगा अपने बुक में पढ़िएगा एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में इसका इतिहास जो बहुत ही पुराना दिया गया है। ये सबसे पहले बेबीलोन के जो वासी थे उन्होंने इसके बारे में कुछ चर्चा किया है कि कैसे हम लोग द्विघात समीकरण का हल निकालते हैं। या फिर और अगर अपना किताब पढ़िएगा जो यूक्लिड थे यूनानी गणितज्ञ, उन्होंने भी इसके बारे में बात की है। जो भारतीय गणितज्ञ थे ब्रह्मगुप्त 598-665 ईस्वी में, उन्होंने भी इसके बारे में चर्चा किया है कि द्विघात समीकरण का हल निकाला कैसे जाता है, उसके लिए उन्होंने एक सूत्र भी दिया था, ठीक ना। इसके अलावा श्रीधराचार्य ने 1025 ईस्वी में भी एक द्विघात समीकरण को प्रतिपादित किया, उसके एक सूत्र दिया जिसके अंदर उसका हल को हम निकालते हैं, जिसे हम लोग द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, ठीक। ये आपके पूरे किताब में एनसीईआरटी में दिया गया है, आप एनसीईआरटी किताब को ध्यान से पढ़िएगा घर पे और देख लीजिए। उसमें फिर चर्चा आता है कि एक अरब का गणितज्ञ था जिसका नाम था अल ख्वारिज्म, लगभग 800 ईस्वी में इसने विभिन्न प्रकार के द्विघात समीकरणों का अध्ययन किया। फिर अब्राहम बार हिया हा नासी यूरो ने 1145 में छपी अपनी पुस्तक लिबर इम्बाडोरम में विभिन्न द्विघात समीकरणों का पूर्ण हल दिया था। अब देख लो यहाँ से कि आखिर में जो द्विघात समीकरण है ये क्या है, बहुत ही प्राचीन है, ठीक ना। इसकी जो चर्चा होती आ रही है बहुत प्राचीन जमाने से होती आ रही है, यानी कहीं ना कहीं डेली लाइफ में इसका यूज तभी आया है, ठीक ना। तो आखिर में डेली लाइफ में इसका यूज क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक ना। सपोज डेट मान लीजिए कि मेरे को एक क्लासरूम बनाना है, ठीक ना। मान लीजिए कि हमको एक क्लासरूम बनाना है, ठीक। तो क्लासरूम तो आपका होगा तो आयताकार ही होगा, गोल तो क्लासरूम बनेगा नहीं, नॉर्मली गोल भी बन सकता है, लेकिन अभी जो हमारा क्लासरूम बनाना है, मान लीजिए मेरे पास ऐसी ही जमीन है, एक आयताकार जमीन है, ठीक ना। मेरे पास जो आयताकार जमीन है इसका जो एरिया दिया गया है, मान लीजिए हमको कि 300 मीटर स्क्वायर में हमको एक क्लासरूम को सेट करना है, बनाना है 300 मीटर स्क्वायर मेरे पास जमीन है। अब कंडीशन क्या है कि इसकी जो लंबाई है, लंबाई ये हो गई, ठीक ना। इसकी चौड़ाई की क्या है, दुगनी है। याद रखिएगा क्वेश्चन में मान लीजिए कुछ ऐसा है कि जो लंबाई है, लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है, चौड़ाई से दुगनी है, ठीक ना। दुगनी नहीं है, सॉरी, दुगनी से 1 मीटर, देखिए क्वेश्चन में दुगनी से 1 मीटर अधिक है। आपको मालूम है कि अगर इस तरह कंडीशन आपको दिया जाए तो आप इसके लिए एक द्विघात समीकरण बना सकते हैं, ठीक ना। जैसे हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाते थे या फिर एक चर वाला रैखिक समीकरण बनाते थे, तो उसी तरह से इस केवल मात्र इतना इन्फॉर्मेशन के द्वारा, और एक इन्फॉर्मेशन आपके पास इतना है कि जो एरिया है वह 300 मीटर स्क्वायर है, इसके द्वारा हम लोग ये बना सकते हैं कि आखिर में जो भी इसकी लंबाई होगी, मान लीजिए लंबाई इसकी जो भी होगी, लंबाई क्या होगी, ठीक ना, इसकी चौड़ाई क्या होगी, ये दोनों चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं, वो बता सकते हैं क्या होगा, मात्र इतना इन्फॉर्मेशन से, ठीक ना। कैसे जरा सोचिएगा, क्वेश्चन में दिया है कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की क्या है, दुगनी है, ठीक। तो अक्सर पहले देखिए जब मेजरमेंट का आविष्कार हो चुका था, ठीक है, मान लीजिए आपको और कोई बोला जाए कि आपका क्लासरूम था, इसका क्लासरूम है या 300 मीटर स्क्वायर बनाना है, तो बताइए कितना लंबा और कितना चौड़ा हमको ज़मीन लेना पड़ेगा, तब जाकर इसका काम होगा। तो अगर आपसे कोई बोला है केवल 300 मीटर स्क्वायर बनाना है, कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई चाहिए ज़मीन की, तो आप उसके लिए क्या कुछ नहीं करना है, आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक ना। ऐसे करते हैं, इसको मान लीजिए कि माना कि चौड़ाई क्या है, एक्स मान लो, चौड़ाई बराबर मान लेते हैं एक्स है, कोई प्रॉब्लम।
तो प्रश्न से देखिएगा अगर आप ध्यान से, तो लंबाई क्या है, लंबाई के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है वह लिखा गया है कि जो उसकी लंबाई है उसकी चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई का दुगना क्या हो जाएगा 2x, और उससे भी 1 मीटर अधिक है यानी कि +1, कोई प्रॉब्लम हो गया आपका एक ठीक। इसके अलावा जो उसका क्षेत्रफल दिया गया है, तो जो आयताकार भाग है आप लिख सकते हैं, जो भी क्लासरूम हम बनाना चाहते हैं क्लासरूम का जो एरिया दिया गया है वो कितना दिया गया आपका 300 मीटर स्क्वायर दिया गया है। चूँकि आयताकार चीज़ है तो इसका जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। लिख सकते हैं क्या, यहाँ से लंबाई एक्स मीटर इंटू 2x+1 मीटर इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर। यहाँ से देखिएगा अगर तो गुणा होगा तो मीटर मीटर का गुणा हो जाएगा, तो आपका इधर आ जाएगा मीटर स्क्वायर, और फिर इधर होगा गुणा तो 2x² + x या फिर 300 मीटर स्क्वायर, कट जाएगा यूनिट दोनों तरफ से, बचेगा आपके पास 2x² + x और इधर माइनस आ जाएगा 300। अब जो आपको यहाँ पर मिला है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है ना ये, ठीक ना। तो अब देखो यहाँ पर जो द्विघात समीकरण आ गया आपका कहाँ से है, नॉर्मल एक कंसेप्ट लेकर चले थे हम ज्यामिति का अपना, कि आयताकार कोई क्लासरूम तैयार करना है जिसका एरिया हमको दिया गया है, लेकिन जब उसकी लंबाई और चौड़ाई हम निकालने जाते थे उस समय भी, वहाँ पर देखो आपके पास एक कंडीशन आ गया कि एक समीकरण बन गया जो कि द्विघात समीकरण है। अगर अब आपको इसका लंबाई और चौड़ाई मालूम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कि आपको इस एक्स का वैल्यू जो निकालना होगा, या फिर ऐसे भी कहें कि इस समीकरण का हल निकालना होगा, इसका मूल निकालना होगा, या फिर एक्स का वैसा वैल्यू निकालना होगा जिसको इसमें आप रख दो तो क्या हो जाएगा, ये LHS = RHS हो जाएगा, यानी कि एक्स का वह वैल्यू जिसको सेटिस्फाई करेगा, या ऐसे भी कह सकते हैं इसका शून्य का आप निकाल दो, ठीक ना। देखिए जो हल होता है, हल को कई नामों से जाना जाता है, हल कभी कहते हैं उसको, कभी बोलेगा मूल निकालिए, कभी बोलेगा मूलक निकालिए, कभी बोलेगा उसका शून्यक निकालिए, तो ये सब चीज़ें एक ही होती हैं, वो किसी भी तरह से आपका अलग अलग टर्म में आपका अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक। तो अब देखो इसका अगर हल निकालना चाहते हैं, कोई पूछे कि लंबाई और चौड़ाई क्या है बताओ, अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना मैंने पहले भी सिखाया है, फैक्टर करना उसका सिखा चुके हैं कि फैक्टर कैसे करते हैं, तो फैक्टर कर उसके बाद फिर उसको हम लोग इक्वल टू जीरो करके उसका हल निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और बात कि यह द्विघात समीकरण है, इसका दो हल होना चाहिए, एक घात वाला समीकरण का एक हल होता था, यहाँ पर यह द्विघात समीकरण है तो इसका दो हल होना चाहिए, ठीक ना। तो इसको फैक्टर करते हैं, चलिए, और 2x² + अब यहाँ पर रुकना होगा, 300 और 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 600 हो जाएगा, ठीक ना। 600 को कुछ ऐसे तोड़ना है आपको कि जोड़ने या घटाने पर आपका प्लस एक्स आपका यहाँ पर आ जाना चाहिए, और गुणा करने पर फिर आपका कॉफिशेंट को लेकर 6 चाहिए। इसको हम तोड़ेंगे अगर, तो 24 और 25 में इसको तोड़ सकते हैं आसानी से, 25x - 24x - 300 इक्वल टू 0, ठीक ना। यहाँ से आ जाएगा x कॉमन कर लिया जाए, आ जाएगा 2x + 25, यहाँ से माइनस, और 12 कॉमन कर लिया जाए, आ जाएगा और 2x - 25 इक्वल टू 0, या फिर आपका 2x + 25 कॉमन हो जाएगा, आ जाएगा x - 12 इक्वल टू 0, या फिर 2x + 25 इक्वल टू 0, या x - 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू मिलेगा आपको, एक मिल जाएगा x = -25/2, और एक्स का और वैल्यू मिलेगा x = 12, सही है ना, गलत नहीं है ना, कहीं पर देख लीजिएगा तो थोड़ा माइनस प्लस, यहाँ पर +25 आएगा, यहाँ पे आपका +25 आएगा, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना, इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, सही है। अब देखो यहाँ पर हमको x का दो वैल्यू प्राप्त होता है, एक x होता है -25/2 और एक x का वैल्यू आया 12। तो जैसा कि द्विघात समीकरण का दो हल आता है तो दो हल आपका सामने आया भी है, एक माइनस में है एक प्लस में आया है, ठीक ना। अब जरा सोचो x जो आप माने थे, x आप क्या माने थे, चौड़ाई माने थे ना, और चौड़ाई क्या होती है, एक तरह से दूरी होती है, दूरी का भी
ऋणात्मक होती है क्या बताइए? नहीं ना, दूरी क्या होती है? हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। तो उस कंडीशन में यह जो वैल्यू होगी नीचे एक वैल्यू, इसको हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि यह क्या निगेटिव है, दूरी कभी निगेटिव नहीं होती है। तो आपको केवल एक ही वैल्यू लेकर चलना पड़ेगा, एक्स बराबर 12 आपको लेना लेकर चलना पड़ेगा 12, यानी कि हो जाएगा आंसर इसका जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी हो जाएगी एक्स बराबर 12 मीटर, और ये कितना हो जाएगा दोगुना है ना, दोगुना से एक अधिक है, तो 12 दून 24 एक 25 मीटर, कोई दिक्कत। 25 और 12 का आप गुणा कर लो, प्रॉब्लम है तो एरिया देखो कितना आ रहा है देख लो, 25 दिन 5 25 5 30, 300 मीटर स्क्वायर आ गया कि नहीं, एरिया देखो तो लंबाई चौड़ाई गुणा करके आ गया, ठीक ना। तो अब यहाँ से आप सीख चुके हैं इस चीज़ को कि आखिर में हमको द्विघात समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जब इस तरह की पहले चीज़ें होती थी जहाँ पर खेत वगैरह जब नापना होता था या लंबाई चौड़ाई निकालना होता था, तो वहाँ पर यह समस्या उनके सामने आई कि द्विघात समीकरण आपका बन जा रहा था और इसको हल करना एक चैलेंज था उस समय, और बाद के उस समय गणितज्ञों ने इसका हल भी निकाला और उसके लिए सूत्र भी हमको दिया है जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एक क्वेश्चन आपको दिया गया है किताब में, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि जैसे आप पिछले चैप्टर में अध्याय 3 में भी आप प्रयास कर रहे थे कि एक द्विघात समीकरण आपको क्वेश्चन दिया जाता था लैंग्वेज में, आप वहाँ सबसे पहले एक समीकरण बनाते थे, ठीक ना, और जो भी आपका समीकरण युग्म प्राप्त होता था फिर उसका हल प्राप्त करते थे। तो द्विघात समीकरण में भी आपका इस तरह के प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर क्वेश्चन लैंग्वेज में दिया जाएगा, आपको उसको पढ़कर पहले आपको एक समीकरण सेट करना होगा, यानी कि जो क्वेश्चन उसको गणितीय रूप में आपको पहले व्यक्त करना होगा, फिर आप उसको हल करके उसका आंसर निकालेंगे। तो गणितीय रूप में व्यक्त करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को गणितीय रूप में आप लेकर आ जाते हो तो फिर वहाँ से आप बहुत सारा तरीका होगा जिसके माध्यम से आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, हल निकाल सकते हो, ठीक ना। तो प्रैक्टिस आपको इसी चीज़ पर करना है, आप बहुत सारा किताब मार्केट में आप ले सकते हैं, जैसे RD शर्मा किताब है, तो RD शर्मा किताब में देखिएगा मैथमेटिक्स में तो बहुत सारे प्रॉब्लम दिए गए हैं, 2 चर वाले भी और द्विघात समीकरण भी, उतना क्वेश्चन आपको KC सिन्हा में मिल सकता है, ठीक ना। लेकिन कोई भी एक बुक आप फॉलो कर सकते हैं, भारती भवन, KC सिन्हा, RD शर्मा, तीनों में से कोई एक बुक और जो एक्स्ट्रा है NCERT के अलावे आप उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसका भी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर इस किताब का ये क्वेश्चन नहीं बना है, उसका हम सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी माध्यम से आपको हम भेज देंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन है दिया गया कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, क्वेश्चन कुछ ये है, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे, कंचे समझते हैं ठीक ना, खेलने वाला जो खेलते थे हम लोग बोलिए उसे कंचे बोलते हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। फिर क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि दोनों के पास 45 है, मिलाकर के दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी कहीं भूल जाता है ठीक ना, खो देते हैं। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, तो यानी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आरंभ में यानी शुरुआत में, आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। देखो तो एक डेली लाइफ का क्वेश्चन है, ऐसे भी देखे बचपन में क्या होता था, मान लीजिए कोई 3 भाई है ठीक ना, 2 भाई अपना कहीं से कंचा लाया, खेल कर जीत कर लाया, कंचा अपना रखा और दोनों काउंटिंग करके अपना रख दिया,
एक साथ वो दो भाइयों में प्रेम है, दोनों एक साथ कंचा अपना काउंट कर कर दिया, चलो हम लोग का 45 वो है। ठीक, तीसरा भाई जो है उसके पास मान लीजिए कंचा नहीं है, वो क्या है आया और उसमें से क्या किया, निकाल लिया, चुरा लिया कुछ। अब समस्या आएगा ना, पहला वाला कहेगा भाई मेरे पास शुरू में इतने कंचे थे, दूसरा वाला कहेगा मेरे पास इतने कंचे थे, फिर दोनों जीत कर लाकर कैसे हम 45 वो किया है। तो इस तरह की सिचुएशन जो होते हैं बचपन में ऐसा क्रिएट होता था कि दूसरे का वो चोरी कर लेते थे, ठीक ना, लेकिन वहाँ पे ये बताने में हम अक्षम थे कि कैसे कितने कंचे हमारे पास थे, क्या है जो कुछ भी है, या ऐसा हम लोग कभी सोचते भी नहीं थे कि ऐसा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता था। तो इस क्वेश्चन अगर आपको शुरू करना है तो शुरू कीजिए। चलिए मान लेते हैं, माना कि जॉन के पास एक्स कंचे थे, ठीक, मान लेते हैं एक जॉन के पास एक्स कंचा था, दोनों का मिलाकर कितना है, टोटल 45 ही ना है। तो जब दोनों के पास 45 था, दोनों का मिला करके अभी जॉन के पास मानते हैं कि एक्स कंचा है, तो जो जीवंती है, जीवंती के पास कितना कंचा होगा, सोचो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, 45 माइनस एक्स हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, एक के पास एक्स है, दोनों मिलाकर 45 था, एक के पास 45 माइनस एक्स हो जाएगा जो बचा उसका। ठीक, अब प्रश्न में कह रहे हैं कि दोनों में से पांच पांच कंचे खो जाते हैं, ध्यान देखिए दोनों में से क्या पांच पांच कंचे क्या होते हैं, खो देते हैं, और कंचा जब भूल जाता है तो भूलने के बाद उनके पास कंचों की जो संख्या होती है उसका गुणनफल 124 है, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग प्रश्न के अनुसार कि पांच पांच कंचे, पांच पांच कंचे खो जाने के बाद, ठीक ना, अब जैसे पांच पांच कंचा खो जाता है तो जो जॉन है, जॉन के पास कितना कंचा बचेगा, कंचा कितना बचेगा देख लो, पहले एक्स था तो एक्स में से पांच घट जाएगा, अब इसके पास इतना बचेगा। ठीक, जो जीवंती है, जीवंती के पास कितना कंचा बचेगा, इसके पास कितना 45 माइनस एक्स है, और कितना घट गया, पांच और इसमें से घट गया, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आप 40 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं घटा करके। फिर प्रश्न से देखिएगा तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पांच जब कंचे भूल जाते हैं पांच पांच दोनों के, तो दोनों जो अब बचता है उसके पास, यानी जो यहाँ बचाइए और यहाँ बचाइए, ठीक ना, इन दोनों का गुणनफल कितना है देख लो, तो कितना है गुणनफल दोनों का, तो 124 है ना। अब यही से आपका क्वेश्चन बनेगा, प्रश्न से हम लोग ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस फाइव इंटू 40 माइनस एक्स का गुणा कर दीजिए जो कि आएगा 124 के बराबर, गुणा किया जाए ये हो जाएगा 40x, और फिर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 200, और ये प्लस 5x इक्वल टू 124, ठीक ना, यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस, देखो माइनस वाले उधर लेकर चलते हैं पूरा का पूरा, इसको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इक्वल टू 124, इसको उधर लग चलते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइन सॉरी प्लस 200 और प्लस 124 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x छोड़ दिया जाए तो प्लस 324 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या आपका ये जो निकल कर आया या जो आपका जो इसका गणितीय रूप प्राप्त हुआ, ये गणितीय रूप क्या है देखो तो ध्यान से, यही ना, एक्स स्क्वायर है माइनस 45x है प्लस 324 है इक्वल टू 0 है, यह क्या है, एक द्विघात समीकरण है ना, ठीक है ना, ये हो जाएगा। फिर इसको आगे हल कर लेते हैं हम लोग, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं ना उस साइड लेकर चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, तो इसको लिखिएगा उधर जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये उधर जाएगा तो माइनस 45x आ जाएगा, और माइनस 200 उधर जाएगा तो आ जाएगा आपका प्लस 200, और इधर पहले से 124 है आपका, ठीक ना, तो बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0, ठीक ना। यह जो आपका निकल कर यहाँ पर आई है क्या है, देखिए तो द्विघात समीकरण है कि नहीं, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब हम लोग को अगर इसका हल निकालना है तो सबसे पहले इस द्विघात समीकरण तोड़ना पड़ेगा, फिर इसका हल निकल करेगा। चलिए देखते हैं, जो सबसे पहला बार टाइप वन का जो क्वेश्चन आता है किस तरह से पूछता है, क्वेश्चन देगा कि निम्न में से कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक ना,
तो इस तरह का है क्वेश्चन, आपके एक्सरसाइज में भी देखिएगा 4.1 में आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपको इसी तरह का है कि आपको ये पहले पहचानना है कौन सा द्विघात समीकरण है या फिर द्विघात समीकरण आपका नहीं है। ठीक, तो देखिए हमने कुछ एग्जांपल पहले आपको बोर्ड पर लिख दिया है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर है इक्वल टू जीरो है। ठीक, तो अगर आप इसको देखिएगा ध्यान से, यह आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी जो इसका व्यापक रूप होता है समीकरण का, द्विघात समीकरण का, या मानक रूप कहिए, तो मानक रूप में आपका एकदम बिल्कुल है। ठीक ना, तो यह अतः एक क्या होगा, एक द्विघात समीकरण है। दूसरा जो आपका दिया गया है समीकरण, ये आपका टू एक्स स्क्वायर दिया गया है माइनस सेवन एक्स प्लस इक्वल टू जीरो है, यह भी अगर आप देखिएगा तो ध्यान से आपका क्या है, यह भी आपका इसी फॉर्मेट में है, तो यह भी क्या हो जाएगा, आपका द्विघात समीकरण है। लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन, इसको आप जड़ ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, इसका जब हल निकालिएगा तो इसका हल कैसे निकालेंगे हम, क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको सबसे पहले लिखना होगा कि दिया गया है। ठीक, दिया गया, क्या दिया गया है, तो x प्लस थ्री बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो एक बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत सारे बच्चे केवल यहाँ पर एक्स स्क्वायर देखेंगे, ठीक है, द्विघात का मतलब होता है x का पावर टू दिखाई दे जाए और राम जय श्री राम मारेगा सीधे ऑप्शन जो होगा, वैसे बच्चे हमारे क्लास में भी मिल जाएंगे एक दो को। ठीक ना, यहाँ पर अगर आपको x का पावर टू दिखाई दे रहा है तो केवल इतना देखने से आप ये नहीं कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, आपको सबसे पहले इसको मानक रूप में ले जाना होगा। मानक रूप में ले जाने के बाद देखिए इसका घात कितना है, तब वो कहलाएगा कि द्विघात है, कि एक घात है, कि तीन घात है, कि चार घात है, कि पाँच घात है। ठीक, तो पर इसको हल कीजिए। ठीक ना, इसको हल करेंगे अगर तो एक्स इसका एलसीएम हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल टू इधर जाएगा मल्टीप्लाई जाएगा एक्स का पावर तीन हो गया, ला इका हो गया, एक्स का पावर तो तीन मिल गया यहाँ पर, अब तो त्रिघात हो गया। ठीक ना, इसको थोड़ा सा और इसको मानक रूप में लिखने का प्रयास करते, एक्स का पावर तीन इसको उधर लेके चलते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो अब जो आपको यहाँ पर मिल रहा है सीधे सीधे, अब यहाँ पर देखने से आपको पता चल रहा है यह जो फॉर्मेट आपका रेडी हुआ है यहाँ पर, यह द्विघात का ना होकर क्या त्रिघात का है, यानी कि यह एक त्रिघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप इसके नीचे लिख सकते हैं, इसके नीचे लिख दीजिएगा कि यह समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप का नहीं है, अतः अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक ना, आप ये भी लिख सकते हैं, और आपका मन करे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि दिया गया समीकरण आपका एक त्रिघात समीकरण है, ठीक ना, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक ना, कुछ जो आपको बनाएगा वैसे आप इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, और इसमें से मैं आपको करके दिखाता हूँ जो बाकी ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आप जो भी फॉर्मूला उसके अनुसार हल करने का प्रयास कीजिएगा, इस क्वेश्चन का भी आप पहले हल कीजिएगा, उसको मानक रूप में ले जाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पर किया है आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक छः नंबर क्वेश्चन, इसको आप करके दिखा देते हैं। ठीक ना, उसके बाद फिर अगला टाइप का क्वेश्चन में देखेंगे क्या होता है। छः नंबर क्वेश्चन जरा देखिएगा फिर से, छः नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, देखो तो दिया गया है, क्या दिया गया है आपके पास, तो एक्स प्लस टू का होल क्यूब बराबर एक्स का पावर तीन माइनस फोर, यही ना है। तो यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है तीन, तो ये भी कह दिया है त्रिघात समीकरण है ना। तो क्या इसको आप डायरेक्ट देख कर कह सकते हैं कि त्रिघात समीकरण एक द्विघात समीकरण, कभी भी आप ये गलती मत कीजिएगा, केवल देख कर मत कहिएगा क्या है। ठीक ना, पहले आप इसको हल करने का प्रयास कीजिए क्या है। तो ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले के आधार पर इसको हम चाहें तो तोड़ सकते हैं, तोड़ेंगे भी, तो हो जाएगा एक्स क्यू प्लस टू का पावर क्यू प्लस थ्री इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू बी यानी कि टू प्लस थ्री इंटू ए
इंटू बी का स्क्वायर यानी कि 2 का पावर 2 हो गया। इसके बराबर क्या है, x का पावर 3 माइनस 4। तो फिर देखेंगे अगर, तो x का पावर 3 प्लस ये हो जाएगा 8 प्लस 3 × 2 = 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 12x = x का पावर 3 माइनस 4। जरा ध्यान देखिएगा, तो इधर भी x का पावर 3 है, इधर भी x का पावर 3 है, इसको उधर लेकर जाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, बचेगा आपके पास क्या, 6x स्क्वायर यहाँ से बच गया आपके पास, प्लस 12x बचा, ठीक ना, और प्लस 8 आपका यहाँ से, और इसको इधर लेकर आते हैं तो प्लस 4 ही आपका बचा यहाँ पर। तो हो जाएगा ये 6x² + 12x + 12 = 0, या फिर 6 कॉमन कर सकते हैं क्या, x² + 2x + 2 = 0, या फिर x² + 2x + 2 = 0। अब देखो तो ये जो आपका गया ये कैसा है, द्विघात समीकरण है ना। अब आप इसके आगे लिख सकते हैं कि यह समीकरण x² + bx + c = 0 के रूप का है। अतः दिया गया समीकरण आपका क्या है, जो भी दिया गया आपका समीकरण, यह समीकरण एक द्विघात समीकरण, दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है, होगा या है, जो भी लिखना हो लिख लीजिएगा। तो इस तरह क्वेश्चन का आप इस तरह बनाने का प्रयास कीजिएगा, पहले आप उसको हल कीजिएगा, और इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो सीधी सी बात है कि आपको आपका बेसिक जो है कमज़ोर है, आप बेसिक पर ध्यान दीजिए, माइनस प्लस पर ध्यान दीजिएगा, इधर उधर करने में, गुणा करने में गलती हो सकती है। तो उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं बनेगा, ठीक ना। बाकी जो लिखने वाला प्रोसेस है उसको ऐसे ही लिखेंगे हम लोग चेक करके, ठीक, ये आपका हो गया। अब हम देखेंगे इसका एक दूसरा क्वेश्चन जो कि टाइप 2 होगा, ठीक ना। आओ, पॉज कर लो। चलिए, एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है जो कि करते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है, इसलिए इसको कर रहे हैं। फैन थोड़ा सा कम कर दो। x के मान की जांच करके बताइए कि दिया गया मान समीकरण का हल है या नहीं है, ठीक है। आपको एक द्विघात समीकरण यहाँ पर दिया जाएगा पहले क्वेश्चन में, फिर x का कुछ ना कुछ वैल्यू दिया जाएगा, और पता करना होगा आपको कि जो x का वैल्यू जो दिया गया है, जैसे 1 यहाँ पर दिया गया है, तो यह जो 1 है इस समीकरण का हल है कि नहीं है, ठीक ना। तो इस तरह क्वेश्चन वो पहले भी कर चुके, शून्य वगैरह निकालते थे, ठीक ना। तो अगर आपको ये चेक करना है कि हल है या नहीं है, तो अगर हम कह रहे हैं कि इसका ये हल है x = 1, तो 1 अगर हम x की ऊपर रखते हैं इस समीकरण में, तो आपका LHS RHS = आना चाहिए, यानी कि दोनों साइड बराबर होना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, ठीक ना। तो हल आप रख कर चेक करेंगे तो लिखेंगे सीधे हम कि दिए गए समीकरण में x = 1 रखने पर, इसमें 1 रख देंगे तो 3 × 1² - 2 × 1 - 1, इसका LHS लेंगे, ठीक ना, LHS है ये। फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो हो जाएगा 3 - 2 - 1, या फिर 3 - 3 = 0, और ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है, कोई दिक्कत, RHS कितना था, 0 था ना, LHS आपका था, तो LHS मानो x = 1 क्या होगा, अपना पुट कर लिया। अब इसके बाद लिखेंगे नीचे हम लोग, अतः x = 1 दिए गए समीकरण का हल है, कोई दिक्कत, बस इस तरह आप करना, जो भी आपका वैल्यू देगा x का उसको रखिएगा, अगर LHS RHS आपका बराबर आ जाता है तो फिर आप नीचे लिखिएगा x = 1 समीकरण का हल है, अगर बराबर नहीं आता है तो समीकरण का हल नहीं है, कोई दिक्कत। इसी के आधार पे क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है पहले से ही, और इसको भी आप बना लीजिएगा, और बनाकर कमेंट बॉक्स में देख कर लीजिएगा, कमेंट बन गया कि नहीं बन गया, ठीक ना, हल है कि नहीं आप बता दीजिएगा, ठीक ना हमको। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद जो आपको क्वेश्चन आने वाला है, याद रखिए वो जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, और उसको करने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक ना। 2 क्वेश्चन और है आज के इस वीडियो में, 2 क्वेश्चन और करा देंगे आपको, उसके बाद फिर
आप एक्सरसाइज 4.1 बनाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन है अगला। यदि x बराबर टू समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3 इक्वल टू 0 का मूल है, तो के का मान ज्ञात करें। यह आपका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे, और सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, के का मान ज्ञात करें। ठीक ना। तो इस तरह के क्वेश्चन का अगर हमको बनाना है तो हमको करना कुछ नहीं है। कह रहा है कि क्वेश्चन में एक्स बराबर टू जो है आपका समीकरण का, जो दिया गया समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3 इक्वल टू 0 का एक हल है। तो अगर ये हल है एक्स बराबर टू, तो अगर टू को हम इसमें पुट करते हैं तो सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि LHS जो आपका 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक ना। तो हमको करना कुछ नहीं है, इस समीकरण जो भी दिया है उसमें हम एक्स का मान टू क्या करेंगे, केवल पुट कर देंगे। जैसे एक्स का मान पुट करेंगे, देखिएगा के का मान सॉल्व करने के बाद आपका आपका बाहर आ जाएगा निकल कर। ठीक, लिखेंगे यहाँ पर हल। चूंकि हम जानते हैं कि ऐसे मत लीजिए, चूंकि एक्स बराबर टू समीकरण का मूल है, अतः समीकरण में x बराबर टू रखने पर रखने पर वह समीकरण के दोनों पक्षों को सेटिस्फाई करेगा या संतुष्ट करेगा। ठीक ना। पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि एक्स बार टू जो आपका दिया गया है वो दिए गए समीकरण का मूल है, अतः समीकरण में रखने पर वह समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। आपको ये लिखना पड़ेगा, पहले सबसे पहले लिखना जरूरी है। ठीक, उसके बाद हम लोग रख कर देखेंगे। इसलिए बनाते हैं एक्स बराबर टू रखने पर, चलिए रखा जाता है के इंटू टू का स्क्वायर प्लस 2 × 2-3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4k + 4-3 इक्वल टू 0, या फिर 4k + 4-3 यानी +1 इक्वल टू 0, या 4k - 1 या k = -1/4। तो k का वैल्यू पूछा था आपसे, k का वैल्यू आपका निकल कर आ गया, k का मान कितना आ जाएगा, -1/4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपको दे देते हैं, इधर कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपका रहेगा 3x² + 2kx-3 इक्वल टू 0। ठीक ना। के का वैल्यू निकालना है, जहाँ पर एक्स का मान दिया गया आपको क्वेश्चन में -1/2 आपको एक्स का वैल्यू दिया गया है, तो आपको निकालना है के का वैल्यू क्या होगा। इसी आधार पर बनेगा क्वेश्चन, आप इसको बना लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव में भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन होगा जो अभी दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन आते ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैमरा हिल गया था, तो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आप घर से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक ना, जैसा होगा आप वैसा हमको कमेंट कीजिएगा, बना कि नहीं बना। ठीक, अब आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x = 2 तथा x = 3 समीकरण, क्वेश्चन लिखिएगा, समीकरण 3x² - 2kx + 2m
बराबर जीरो के मूल हो, मूल यानी कि हल, ठीक ना, मूल हो तो के और एम का मान, के और एम का मान ज्ञात करें। के और एम का मान आपको यहां पर क्वेश्चन में ज्ञात करना है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका उससे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना, इसको बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। इसको कैसे बनेगा देखिएगा, इसका भी प्रोसेस आपको ही रहेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो पीछे आप पढ़ कर आए हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का यहाँ पर आपको उपयोग करना पड़ेगा, पीछे वाला चैप्टर का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाइएगा, नहीं तो आप इसका नहीं निकाल पाइएगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि x बराबर जो 2 है और x बराबर जो 3 है, दोनों क्या है, समीकरण का हल है। अगर x बराबर 2 और x बराबर 3 समीकरण का हल है, तो अगर दोनों को हम बारी बारी से समीकरण में रखते हैं तो क्या होगा, उसको सेटिस्फाई करेगा, उसको संतुष्ट करेगा, ठीक ना। तो वही काम करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे कि चूंकि x बराबर 2 तथा x बराबर 3 समीकरण 3x² - 2kx + 2m = 0 के मूल है, इसलिए 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 x का यह मान समीकरण को संतुष्ट करेगा। इस क्वेश्चन को याद रखें, मैं पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, मैं आपको बस इक्वेशन बनाकर छोड़ दूंगा और बाकी काम आपको खुद करना होगा, ठीक। अब इसको शुरू करते हैं, तो x बराबर 2 रख सकते हैं, ठीक ना, और x बराबर क्या रख सकते हैं आप, 3। इसको दो केस अगर बना लेते हैं हम लोग, केस 2 में रख सकते हैं और एक केस बनाते हैं अगर 1 हम लोग, तो केस 1 में रखेंगे क्या x बराबर 2 और केस 2 में क्या रखेंगे x बराबर हम लोग 3 रखेंगे, ठीक ना। तो दोनों केस रखेंगे और दोनों पर अपना काम करना शुरू करेंगे। सबसे पहले x बराबर 2 रखेंगे आप उस समीकरण में, तो हो जाएगा 3 × 2² - 2k × 2 + 2m = 0, ठीक है। फिर आप केस 2 में x बराबर क्या लेना है, 3 लेना है, तो रखिए 3, 3 × 3² - 2k × 3 + 2m = 0। दोनों का आप हल करें आगे की तरफ, ये हो जाएगा 4 × 4 = 12 - 4k + 2m = 0। इसको उधर लेके चलते हैं तो आ जाएगा 12 = 4k - 2m, या इसको आप लिख सकते हो 4k - 2m = 12, ठीक है। एक समीकरण आपका बन गया 1। इसको हल करेंगे अगर हम लोग, तो 3 × 9 = 27 - 6k + 2m = 0, या फिर आप इसको उधर लेके चलते हैं अगर, तो हो जाएगा 6k - 2m = 27। यहाँ से आ गया आपका समीकरण नंबर 2। यहाँ पर जो समीकरण 1 आपको मिला और यहाँ पर जो आपको समीकरण 2 मिला, आपको क्या निकालना था, k और m का वैल्यू निकालना था। तो सबसे पहले उस द्विघात समीकरण का अगर आप हल करते हैं x का वैल्यू रख करके 2 और 3, तो आपको एक और समीकरण मिल जाता है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, याद रखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण। और यहाँ पर जो दो चर वाला रैखिक समीकरण आपको मिल रहा है, तो दो समीकरण है तो एक समीकरण युग्म कहलाएगा, और समीकरण युग्म को हल करने का तरीका आपको पहले से मालूम है, आपको पहले मैं पढ़ा चुका हूँ कि विलोपन विधि क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि क्या है उसका, या फिर उसका वज्र गुणन विधि क्या है। आप तीनों में से किसी भी तरीके से आप इसको दोनों समीकरण उनको पकड़कर 1 और 2 को अपना हल कीजिएगा। हल करने के बाद आपको के और एम का वैल्यू आ जाएगा, और के और एम का जो भी वैल्यू आएगा कमेंट बॉक्स में उस वैल्यू को अपना कमेंट कर दीजिएगा, फिर सही है कि गलत है मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, जो भी है उसको पढ़िए, एक्सरसाइज किताब का मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, और आप किताब का एक्सरसाइज बनाना चाहते हैं तो 4.1 आप बना सकते हैं, बिल्कुल इसमें का सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको गणितीय रूप में आपको लिखना है पहले,
केवल आपसे यही कह रहा है कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। लैंग्वेज में क्वेश्चन है, उस लैंग्वेज के क्वेश्चन को आप प्रयास कीजिएगा कि द्विघात समीकरण के रूप में लिख दें और उसको हल भी करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि लिखते रहें तो हल भी कीजिए, अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस हो जाएगा और आप परफेक्ट हो जाइएगा उसमें फिर, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।